बुधवार को एफपीओ से जुड़े किसानों को एक्सीलेंस सेंटर पिनगवा प्रांगण में उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा नुहू के द्वारा संबोधित किया गया। इस एफपीओ किसान सम्मेलन में किसानों को आमदनी को बढ़ाने व केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और अधिक से अधिक इन स्कीमों का लाभ उठाने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया है। किसानों ने भी नुहू जिले में एक प्याज मंडी खोलने के अलावा कई मांग उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा के सामने रखी हैं। वहीं धीरेंद्र खटगटा उपायुक्त ने भरोसा दिलाया है कि नुहू जिले के सब्जी उत्पादक किसानों को मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा उनकी मांगों का समाधान किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपायुक्त धीरेंद्र खटगटा ने कहा है कि किसानों की आय कैसे बेहतर हो सकती है, इस पर एफपीओ में चर्चा की गई है। नुहू देखिए, एफपीओ की जनरल बॉडी की मीटिंग थी और यहाँ पर यूनियन जो है कि एफपीओ है उसकी जनरल बॉडी मीटिंग थी, क्योंकि बीइंग अ चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी एचडीयू, तो हमने ये मीटिंग रखी है और मीटिंग के अंदर जितने भी किसान थे वो सबको सम्मिलित हुआ है। हमने आपस में उनकी जो कुछ दिक्कतें हैं उसके बारे में यहाँ पर रखा गया है, कुछ सरकार के जो अच्छे कार्य किए गए उनके बारे में लोगों ने प्रशंसा की है और आने वाले समय के अंदर क्या हम नया कर सकते हैं इस एरिया के अंदर वो हमने। एक्सीलेंस सेंटर सर कितने एकड़ में है, क्या क्या चीज़ें होंगी, और एक आपने आकेड़ा का जिक्र किया, किसानों ने अनाज मंडी की बात की, प्याज मंडी की। देखिए, ये जब मैं पिछली बार था तब तो हमने 55 एकड़ का ये प्रपोजल था। इसका बेसिकली है कि जिस तरह से लाडवा के अंदर एक एक्सीलेंस सेंटर बना हुआ है उसी तरह से इस एरिया के अंदर एक्सीलेंस सेंटर है। अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके इसको यूनियन स्पेसिफिक कर दिया गया है, क्योंकि हर जिले के अंदर वन प्रोडक्ट वन उसका किया है। तो वैसे तो टमाटो है लेकिन इस एरिया पर्टिकुलर में प्याज बहुत उगता है, तो उसके लिए ही एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया ताकि यहाँ पर प्रोसेसिंग कर का वेराइटियाँ बनाना, कैसे उसको वो करना है उसको बढ़ावा दिया सके, इनकम बढ़ाई जा सके। साथ ही साथ हमने एक पायलट प्रोजेक्ट भी किया है जो कि आकेड़ा गाँव के अंदर है, जिसके अंदर हम एक चक बना लेते हैं किसानों का लगभग 100 एकड़ का, और उसमें फिर हम ड्रिप इरीगेशन और क्या नाम बोलते हैं स्प्रिंकलर इरीगेशन से वो पानी ही देते हैं। इसके अंतर्गत हम जो एग्जिस्टिंग पानी है जो कि वेस्ट जाता है उसको यूटिलाइज हम करते हैं। तो 5-6 और एरियाज में हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। अभी चंदेनी के लिए हमने किया है, 2 और गांव हमने अल्दू का इसके अंदर ट्राई कर रहे हैं, और 1-2 और गांव जहां पर भी लोग किसान जो है आसपास कोई नहर गुजरती है उसके साथ अगर कुछ करना चाहें तो वो हमें प्रस्ताव देते। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर भी अगर किसान एफपीओ के माध्यम से अगर कोई देना चाहे तो हम उसमें कर दें। सर, प्याज मंडी की जिक्र हुई, गुड़गांव में जैसे सेक्टर वगैरह हैं उनमें सब्जी की बेचने की बात हुई, उसको लेकर क्या? देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए साउथ नागपुर के अंदर सबसे बड़ी मंडी आपकी प्याज की लसल गाँव के अंदर, उसके बाद यहाँ नॉर्थ इंडिया में कहीं कोई प्याज मंडी नहीं है। आपका प्याज अलवर में भी उगता है, आपका प्याज मेवात में भी उगता है। अगर यहाँ पर कोई मंडी होती है तो ना सिर्फ अलवर का प्याज भी यहाँ पर आप आके बेचेंगे, बल्कि जैसे आजादपुर मंडी है वहाँ तक प्याज ले जाना जो पड़ता है उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग यहाँ पर आके प्याज लेके जाएंगे, उससे व्यापार बढ़ेगा, किसानों का क्षेत्र में बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी इस वाले एरिया की। ये हमारा किसान उत्पादक संगठन है, खान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग थी। डीसी साहब इसके चेयरमैन हैं और मैं इसका मेंबर सेक्रेटरी हूँ, तो उसकी जनरल बॉडी की मीटिंग करवाई गई थी और किसानों के समूह के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। सरकार की विभिन्न विभिन्न योजना हैं और जो ये सेंटर है इसके माध्यम से हम लगभग 200 से 250 किसानों को जोड़ेंगे जो प्याज की गंठियों का उत्पादन करेंगे और वो उत्पादन करके इस सेंटर पे भेजेंगे। यहाँ से हम किसानों को आधी छूट पे गंठियों का बीज देंगे और जो किसान अलवर से, खैरतल मंडी से, किशनगढ़ से जो बीज लाते थे उनको वहाँ से बीज लाने की ज़रूरत नहीं होगी, मेवात खुद ही अपने आप में बीज बनाने में सक्षम हो जाएगा इस सेंटर के माध्यम से, और तकरीबन 100 करोड़ के करीब पैसा जो है मेवात के किसानों का बचेगा और वो मेवात के किसानों द्वारा ही बनाई हुई गंठियों से अच्छी पैदावार लेंगे। ये केंद्र हमारा ऑलमोस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे पाइपलाइन बनाना है, ट्यूबवेल लगाना है, चार दीवारी करनी है, इंटरनल रोड वगैरह, ये सब बन चुके हैं
और अब हम इसमें से खेती की शुरुआत करेंगे। दिसंबर एंड तक मुझे उम्मीद है कि हम इस पे प्याज के अनुसंधान और प्याज की वैरायटियां लगाना, प्याज का बीज बनाना शुरू कर देंगे। कितनी लागत से बनकर तैयार होगा? ये 10 करोड़ की लागत से बन के तैयार हो रहा है और उसमें और भी ज़्यादा अगर पैसा लगेगा तो सरकार की तरफ से और भी पैसा लगाया जाएगा। लेकिन इसको मेवात के युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार करके दिया जाएगा। FPO की मदद से 10,348 किसान अब तक सदस्य बन चुके हैं और वो बागवानी की खेती कर रहे हैं। और 2 FPO के हमने इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाए हैं, एक मेवली में है जो 3,14,00,000 की लागत से है जिसमें 90% जो है सरकार ने सब्सिडी दी है। दूसरा मांडीखेड़ा में बना है जो 2,76,00,000 की लागत से बन रहा है और उसमें भी जो है 90% सरकार की सब्सिडी दी गई है। और इन दोनों केंद्रों की वजह से जैसे अकेले मेवात में तकरीबन 150 एकड़ में टमाटर इस बार ज़्यादा लग रहा है। नीति आयोग में बागवानी विभाग का हाई वैल्यू वेजिटेबल्स का एक कंपोनेंट है जिसमें हमारा सभी जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं हमारा कंपोनेंट सबसे टॉप में रहता है। मैं बड़काली मुद्दन से संपन्न हूँ, बागवानी प्रोड्यूसर कन्वेयर पे। तो किस तरह से बागवानी आप लोगों ने लगा रखी है, किस तरह का अनुदान मिलता है, आदि प्रोग्राम किया गया, क्या बेनिफिट मिलेगा? ये प्रोग्राम किया गया इससे तो किसानों को होगा कि किस FPO से जुड़ा हुआ हूँ ये किसानों को अवगत कराना था। सरकार का मकसद कि कुछ दिन पहले जनसंवाद कार्यक्रम हुआ था उसमें किसानों ने जनसंवाद कार्यक्रम में शिकायत करी थी सेम साहब से कि हमें यही पता नहीं है कि हम कौन किस FPO से जुड़े हुए हैं। इसका मकसद यही था कि किसानों को ये मालूम हो जाए कि हम किस FPO से जुड़े हुए हैं। हाँ, किसानों के FPO के माध्यम से काफ़ी सफलता मिलती है। जैसे शंकर सब्जी पर सरकार 15,000 रुपये पर एकड़ की सब्सिडी देती है और लो टनल पर लगभग 30,000 रुपये पर एकड़, बम्बू स्टेपल पर 38,250 रुपये पर एकड़ ये सब्सिडी देती है। और जो भी किसान कोई नई खेती कर जैसे वो अपना स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी पे 40,000 रुपये है, तो सब्सिडियों के माध्यम से हम किसानों को फायदा पहुंचाते हैं विभाग से और किसानों के बीच में तालमेल बना कर।